मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ जिसे स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, जहाँ है ऐसा चमत्कारी झरना जो पापियों को स्पर्श तक नहीं करता और धर्मात्माओं को पूरा भिगो देता है, एक ऐसा रोमांचक पैदल सफर जहाँ है मुश्किलें तो प्रकृति के असीम खूबसूरत नज़ारे भी, स्वर्ग रोहिणी का पहला पड़ाव वसुधारा झरना। भाई स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है, स्वर्ग के रास्ते पे चल पड़ा हूँ मैं तो। अब ऑक्सीजन की हो रही है यहाँ पे कमी और हो रही है प्रॉब्लम, रास्ता नहीं है, रास्ता खुद ही बनाना है आपको। तो हेलो गाइस, माड़ा के दूसरे पार्ट यानी वसुधारा फॉल में आपका फिर से वेलकम करता हूँ और यहाँ से अपनी जर्नी आगे करते हैं। इससे पहले पार्ट में आपने देखी थी माड़ा को, देखा होगा माड़ा को हमने काफ़ी डिटेल में ब्लॉग में लिया है, इसको डिटेल में देखा है। अब हम चलते हैं ऐसे ट्रैक पे जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब नेचर की ब्यूटी से भरा पड़ा है और थोड़ा स्टीप भी है, तो पूरा चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो वीडियो के एंड तक देखते रहें और कमेंट में लिखें जय बद्रीशा। तो देखिए 5 किलोमीटर दूर है और ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, तो यहाँ पे जाके लगभग 90% आदमी लौट जाते हैं, पर हमें जाना है। और यहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रहा है स्वर्गारोहण मार्ग का, तो यहाँ से उस टाइम पे पांडव गए थे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, तो इसी का अब यहाँ पे बन रहा है गेट जो पिछले साल नहीं था, तो ये गेट का निर्माण हो रहा है। यहीं से ट्रैक जाता है स्वर्गारोहिणी को, और नीचे देख लीजिए माँ सरस्वती को और सामने संगम केशव प्रयाग। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रैक की करते हैं शुरुआत, और ऊपर की तरफ है माणा पास जिसकी परमिशन आपको आर्मी से लेनी पड़ेगी। वो दिख रहा है आपको हाईवे सा वो ऊपर रोड, बिना आर्मी की परमिशन के आप जा नहीं सकते वहाँ। तो अब अंतिम दुकान एक के आगे एक बनाते जा रहे हैं और अंतिम दुकान बोलते जा रहे हैं। पहले अंतिम दुकान वहाँ हुआ करती थी, अब यहाँ खोल दिए, कुछ टाइम बाद कोई और आगे खोल देगा तो अंतिम दुकान हो जाएगी। और ये है त्रिपुर बाला सुंदरी, यहाँ मंदिर है छोटा सा और लोग यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं अंतिम दुकान सोच के, यहीं चाय वाय पी रहे हैं, पर अपने को जाना है बहुत आगे। तो इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, वही वाली फील देगा आज भी आपको, वही वाइब्स है। सर मिले हमें, सर ने कहा आपके मेरी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर है, सर कहाँ से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से पूरा फैमिली आई है ना, छत्तीसगढ़। तो कैसा लग रहा है, फर्स्ट अनुभव होगा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बद्रीनाथ घूम लिया और कहाँ कहाँ घूमेगी? अभी केदारनाथ। अच्छा, अभी बद्रीनाथ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से लौटते। अच्छा अच्छा, तो अभी आप वसुधारा जा रहे हैं? मिलते रहते हैं ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा सर ने कहा, मैंने आपको देखा यूट्यूब पे तो अच्छा लगा सर मिलके, थैंक यू। अभी तो कैमरा ऑफ था और कम से कम मुझे 15 जनों ने घेर लिया कि हमने यहाँ आने से पहले आपके ब्लॉग्स देखे थे वसुधारा का, जो पहले पिछले साल मंगाया था, बनाया था पिछले साल ब्लॉग, तो कह रहे थे उन्होंने पहचान लिया। तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं पाया पर बातें करके अच्छा लग रहा था, फोटो वोटो उन्होंने ली, उन्हें सेल्फी ली। तो यकीन मानिए इतनी चीज़ें होती हैं, पर ये वाली जो खुशी होती है ना, ये आपको शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये वाली जो फील कि हम जब इतनी दूर जाते हैं, मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, एडिट करते हैं, और उसके बाद जब हमें ऐसा रिस्पांस मिलता है कि सर आपका ब्लॉग देखा था पिछली बार वसुधारा वाला और बद्रीनाथ वाला, बहुत अच्छा लगा, तो ये दिल को इतना अच्छा लगता है ना, फिर लगता है कि हाँ मेहनत सही जगह पर जा रही है, सारी थकान दूर हो गई। अब आगे चलते हैं और इस बार का नया फ्रेश वसुधारा ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है सिर्फ ये चट्टाने पत्थर वगैरह, वो छोड़ दिया हमने पीछे, वहाँ पर वो है माणा। और देखिए इस मौसम में बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाती है, वरना बहुत ही ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड है यहाँ पे, बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिलती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर ऐसी जोन में हम आ चुके हैं कि यहाँ पे अब पेड़ नहीं है, पेड़ों की जगह ले लिया ऐसी ऐसी घासों ने और छोटी छोटी झाड़ियों ने, अब यहाँ पर कोई भी पेड़ आपको मिलेगा नहीं, देखिए। तो और अभी हमें बहुत हाई अल्टीट्यूड पर भी और यहाँ से जाना है, पर फिलहाल अब आपको सिर्फ एक ऐसा दिखेगा पहाड़ी रेगिस्तान टाइप का दिखेगा, बीच में एक नदी आ रही है और ऐसे पत्थर वगैरह दिख रहा है, पर पेड़ कहीं नहीं, बिल्कुल पेड़ गायब हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट जो बोलते हैं दर्शन हो रहे हैं वो दिख रहा है दूर, 100 मीटर से भी ऊंचा झरना, यहाँ से कितना छोटा लग रहा है, बहुत लंबा ट्रैक करना है। और जो आप पहाड़ देख रहे हो, ये वाला जो पतला सा गलियारा देख रहे हो, ये है सतोपंत को जा रहा है, जो स्वर्गारोहिणी का ट्रैक होता है 5-6 दिन का, वो वाला ट्रैक वो है जो आपको अलकनंदा के पहाड़ दिख रहा है। अलकनंदा ही आ रही है सतोपंत ग्लेशियर से, और जो यहाँ पर ये चट्टानों वाले पहाड़ हैं ना, ये जितने प्यारे हैं उतने ही खतरनाक लग रहे हैं, और ना इनमें घास है ना कोई पेड़ है, सोचिए।
बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, लाइफ टाइम मेमोरी आपकी हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए जब तक बॉडी में जान है ना, ऐसी चीज़ें भी ट्राई करते रहो। और जाना है वसुधारा फॉल तो जाएंगे और वहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे में दिखाता हूँ। मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पिछले बार मैं अक्टूबर में आया था, तब सर्दी थी काफ़ी, हमें बर्फ़ भी मिलने लग गई थी, पर इस टाइम आज है 8 सितंबर, तो उसके मुकाबले सर्दी कम है और बहुत प्रेजेंट सा मौसम है, ज़्यादा नहीं है, धूप निकल रखी है, तो ठीक है, आप आ सकते हो। अगर आप आओ माना तक और आप में बॉडी में दम हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से ये रास्ता होता है ख़त्म, ये जो थोड़ा अच्छे वाले पत्थर वाला रास्ता था ये ख़त्म हुआ, बिल्कुल ऑफ क्या बोलते हैं, रास्ता ही नहीं है, मतलब थोड़ा अजीब सा रास्ता है हाइकिंग वाला। यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ही बचाऊँ, क्योंकि जितने लगे थे साथ में नीचे सब लौट लिए। यहाँ पे जाने के लिए हिम्मत चाहिए जो कम लोग जुटा पाते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ और बंदे अब कम होते चले गए, मतलब अब 1% आदमी दिख रहा है जो 2-3 किलोमीटर बाद उसमें से भी कम होते जाएंगे। स्वर्ग का रास्ता है, इतना आसान होता तो हर आदमी पहुँचता। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। देखो दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, पर आपका सिर्फ लाइक करना, आपका कमेंट करना ना बहुत मोटिवेशन देता है, तभी तो फिर मन करता है कि आप देखना चाहते हो, फिर मैं ऐसी ऐसी जगह दिखाने का और मन करता है। थोड़ा आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, सबको दिखाएं, क्योंकि हर कोई नहीं पहुँच सकता ऐसी जगह, आपको भी पता है ये थोड़ी ऐसी दुर्लभ जगहें होती हैं, पर सबको आप वर्चुअली दिखा सकते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर आने के बाद वो जो अच्छी सी हवा लग रही थी उसकी जगह अब बर्फीली हवा ने ले ली है, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है, धूप के बाद भी कान ठंडे हो रहे हैं। रास्ता लगभग समाप्त हो चुका है, अब ये इस तरीके की पगडंडी जो कच्ची सी है इसमें ही चल के जाना है, और मुझे हो चुका है 1.5 घंटे से ज़्यादा चलते हुए। और अब देखिए रास्ता है नहीं, रास्ता हमें बनाना पड़ेगा, और वहाँ तक ऊपर तक जाना है और कोई नहीं है, पूरे होटल फुल है पर याद नहीं आ रहा कोई। तेज हवाओं के बीच लहर लहराती ये घासें कितना प्यारा हुआ, उसको सीनिक ब्यूटी को और प्यारा बना देती हैं। देखिए हवा चल रही है और व्यू देखिए, हवा ये देखिए, मन तो कर रहा है यहीं बैठ जाओ। और छोटे छोटे से यहाँ पे ऐसे ऐसे तत्व मिलते हैं जड़ी बूटी के, देखिए रेड कलर का ये, और ये घास का मैदान, और देखिए सामने, फिजिकली थक जाओगे पर मेंटली आप बिल्कुल नहीं थकोगे, ये नज़ारे आपको थकने ही नहीं देंगे। ये देखिए अप्रतिम, थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं, हो सकता है धूप भी चली जाए, और माड़ा वो पीछे 2 किलोमीटर से ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की हो रही है यहाँ पे कमी और हो रही है प्रॉब्लम। 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पे शाम के टाइम रहता है भालुओं का और जो पहाड़ी गुलदार होते हैं लेपर्ड उनका डर। ये हवा सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि हेमकुंड यहाँ से ऊंचा है, पर हेमकुंड के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, आपने देखी होगी ऊंची ऊंची चोटियाँ, पर ये बिल्कुल खुली घाटी है आमने सामने से, यहाँ से देखिए और ये यहाँ से, तो हवा का जो प्रेशर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल कानों का ऐसा सर्दी में मैं मतलब सुन्न कर दिया है, और थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि यहाँ पे या तो बोल लो या चल लो, और मुझे तो दोनों काम करने। पहाड़ी गांव का जमा बड़ा, देखिए पूरा इनका गैंग खड़ा हुआ है, क्या हाल है, तुम ही दिखे जब से बात करने को, आपके क्या हाल है पाजी? भाई स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है, स्वर्ग के रास्ते पे चल पड़ा हूँ मैं तो। ये बीच में हमें एक ऐसी ही जगह मिलती है, ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है नाली का, और बिल्कुल यहाँ पे रास्ता नहीं है, खोज के जाना पड़ेगा। देखिए एक दो बंदे मिले हैं, अब आप बिल्कुल जाना है ऐसे नदी को पार करते हुए। और ये आ रहा है बिल्कुल अमृत तुल्य जल, बिल्कुल ऊपर ग्लेशियर से एकदम शुद्ध जल, और भाई
रास्ता नहीं है। रास्ते में एनर्जी भी लेते चले, चॉकलेट वगैरह चॉकलेट ले ले और कोई ड्रिंक ले ले, और हाँ खा ले तो रैपर ना फेंके, ये काम भी करते चले गए, रैपर फेंकते जा रहे हो। बहुत नीचे माड़ा तो दिख ही नहीं रहा, अब वाटरफॉल दिख रहा है और इतना बड़ा वाटरफॉल अब बहुत बड़ा दिखने लगा है। पहाड़ी मित्र मिले हैं कुछ जो सोच रहे हैं मेरे पास खाने को है, तो मेरे पीछे पीछे आ गए, यही मिले हैं बस। क्या हाल है? बढ़िया। तुम में से और मुझ में बकरी कौन? Yes! और वो देखिए थोड़ी सी झलक दिख रही है उस वाटरफॉल की, लगभग यहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दूर है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है यार। बताएं लास्ट का 1 किलोमीटर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस ट्रैक का, सबसे स्टीप है ये पूरा 1 किलोमीटर, वहाँ तक जाना है ऊपर तक, यही सबसे ज़्यादा थकाएगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट यही है। और यहाँ पर सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है हवा का, मेरा, बकरियों का और अलकनंदा की धाराओं का। देखिए सामने ये विशाल काय झरना वसुधारा, अभी हमें उसे और करीब जाना है, पर कम से कम 200-250 मीटर तक तो सिर्फ इसकी बौछारें उड़ रही हैं। सिंपल नहीं है, काफ़ी कठिन है इसकी चढ़ाई, पर देखिए जो एंड में आपको नज़ारा मिलता है ना वो ऐसा होता है साक्षात अमृत एकदम भाई। और दिखाऊं इतनी मेहनत के बाद क्या देखने को मिलता है। ये देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा झरनों में से एक, दहाड़ता हुआ बिल्कुल सॉलिड आवाज बस होता है। फुहारे कितनी ज़्यादा आ रही हैं ऊपर, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है अगर इसे लिया जाए तो ऐसे। वाह यार, मतलब अप्रतिम अल्टीमेट नेचर की, कितनी ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं बता नहीं सकता इसको शब्दों में, इसको फील करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। और दहाड़ रहा है बिल्कुल झरना, ऐसा लग रहा है ऐसे शेर की तरह दहाड़ रहा हो पीछे। और फुहारे देख रहे हो आप कैसी आ रही हैं, उड़ उड़ के आ रही हैं। सबसे बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर ही है, उसके बाद ये बर्फ से पूरी तरह ढक जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में एक बार आप यहाँ पे जरूर आए, बद्रीनाथ आए तो माड़ा के बाद यहाँ पे भी जरूर आए, आपका बहुत लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस रहने वाला है। और ये हमारे कैमरामैन, पीछे कैमरामैन है ये जिनकी हमने हेल्प ली है, ये कैमरामैन थे हमारे, थैंक यू सो मच। और सामने बादल कितने खूबसूरत शाम होते ही, देखिए पूरी तरीके से वेदर बदल चुका है, किस तरीके से बादल चलते हुए दिख रहे होंगे। और ऊपर तो भैया चोटी भी है बर्फ पे थोड़ी सी, और वहाँ से हम आए थे माड़ा, वहाँ कहीं बादलों के अंदर खो गया, वहाँ है माड़ा भारत का आखिरी का, और हम तो बहुत ही आगे आ गए। अलकनंदा कहाँ तक आ रही है, देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक, हाँ देखिए ये अभी अभी अलकनंदा यहाँ आके ऊपर जाके, यहाँ ग्लेशियर है सतोपन ग्लेशियर यहाँ से, और ये पूरा ट्रैक आपको दिख रहा है, ये पतली पतली लाइन दिख रही है जो, यही है सतोपन जाने वाली, ये जो पार से जाती है, यही ट्रैक है जो पूरा 25 किलोमीटर का ट्रैक है। अब वापसी का हो गया है समय, शाम के बज गए हैं लगभग 5:30 बज चुके हैं देखें, और ये है रास्ता। और यार आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती यहाँ पे कैच हो रही है, ये वाला नशा अगर आपको लग गया ना फिर आपको किसी और नशे की जरूरत नहीं, ये वाला नशा प्रकृति का, घूमने का, बस इसे स्वच्छ रखें और जैसा है वैसे ही इसे फील करें। तो दोस्तों यही थी वसुधारा फॉल की एक खूबसूरत वीडियो, यार बहुत मेहनत लगी है इसमें और मैंने बहुत दिल से बनाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कभी बद्रीनाथ आओ तो इस जगह पे जरूर आना है, यहाँ की मेमोरी आप कभी नहीं भूल पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ कमेंट में जय बद्री विशाल हर हर महादेव तो लिखना ही है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, नमस्कार।